सिविल लाइन स्थित जलाराम भवन में जलाराम ट्रॉफी शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग के अलावा अन्य जिलों से भी शतरंज के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अलग अलग आयु वर्ग के लिए किए गए इस प्रतियोगिता में लगभग 2 दर्जन से अधिक प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। जीतने वाले प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार भी दिया गया। प्रतियोगिता में सबसे कम उम्र 5.5 साल के प्रतिभागी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 96 से श्री जलाराम ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है, शतरंज स्पर्धा का, और यह अविभाजित मध्य प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी थी, जो आज भी निरंतर छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी जारी है। और इस स्पर्धा में भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल लाने वाले सन 1980 माल्टा चेस ओलंपियाड के हमारे पूर्व मरहूम श्री रफीक खान जी भी शिरकत कर चुके हैं। तो ऐसे हस्तियों के खेलने से इस ट्रॉफी का भी बहुत मान बढ़ा, बहुत नाम हुआ, और आज भी यह ट्रॉफी निरंतर जारी है सबके प्रयास से, और आगे भी हम लोग रेटिंग करवाने की संभावना है अगर लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ तो। मैं ईश्वर सिंह राजपूत, अध्यक्ष जिला शतरंज संघ हूँ। लालजी भाई आड़तिया की स्मृति में विगत 26 वर्षों से उनके पुत्र प्रवीण भाई आड़ती द्वारा जो जलाराम ट्रॉफी का यहाँ आयोजन रखा जाता है, ये बड़ा ही छोटे छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करता है, और उनके अंदर में जो खिलाड़ी भावना, जो एक जुनून है उनके अंदर में कि शतरंज का जैसा खेल, जो बड़े दिमाग का, बड़े शांति ढंग से जो गेम को खेलने का वो है, वो इन बच्चों में इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ये प्रतियोगिता का यहाँ पे आयोजन करके इन बच्चों को एक प्लेटफार्म दिया, एक जगह दी, यहाँ से बच्चे निकल के राष्ट्रीय स्तर तक के जाएंगे, इनका एक अच्छा प्रयास है और इनके बधाई के पात्र हैं। मैं प्रहलाद रुंगटा, जिलाध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स दुर्ग। ये न सिर्फ दुर्ग शहर के लिए बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुप्रतिष्ठित ट्रॉफी, श्री जलाराम ट्रॉफी, जिसे स्वर्गीय लालजी भाई आड़तिया की स्मृति में उनके पुत्र द्वारा आयोजित किया जा रही, जो कि वर्ष 1996 से यहाँ पर आयोजित हो रही है लगातार, और इस प्रतियोगिता का इंतजार संपूर्ण छत्तीसगढ़ के चेस खिलाड़ियों को रहता ही है, जो कि हर वर्ष हम दिसंबर के माह में आयोजित करते हैं। इस बार 81 खिलाड़ियों ने पूरे संपूर्ण प्रदेश से भाग लिया, जिसमें लगभग 11 जिले के प्रतिनिधित्व यहाँ पर करने वाले खिलाड़ी थे। थोड़ा सा आशा के विपरीत कम इसमें भाग ले पाए खिलाड़ी, क्योंकि अभी बिलासपुर और कोरबा में भी इसी दिनांक में प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, इस कारण से खिलाड़ियों का रुझान थोड़ा सा कम रहा, मगर फिर भी जितने खिलाड़ी यहाँ पर आए वे काफ़ी उत्साहित और जोश से भरे हुए नजर आ रहे थे। मैं तुलसी सोनी, जिला शतरंज संघ दुर्ग का कोषाध्यक्ष। 14 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक श्री जलाराम ट्रॉफी का आयोजन किया गया, और जो पिछले 25 वर्षों से आयोजन हो रहा है, और दिनों दिन अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं। मैं अपना अपना प्रयास करता रहता हूं, और आगे भी मैं इसी तरह का प्रयास करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं प्रवीण भाई आड़तिया, जलाराम निष्ठान भंडार, दुर्ग वाला हूँ। जलाराम ट्रॉफी, ये शतरंज प्रतियोगिता रखी गई है, तो छत्तीसगढ़ के हर एक अलग अलग जिलों से यहाँ लोग आए हैं, 81 पार्टिसिपेंट्स रहे हैं इस कार्यक्रम में, और जिसमें एक मुंगेली से भी ब्लाइंड बच्चे ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, और मुझे यहाँ के बहुत खुशी हुई कि ऐसे भी लोग जो चेस खेलते हैं, और एक बहुत अच्छा आयोजन रहा, बहुत सफल आयोजन रहा, बहुत ही अच्छा। बहुत बहुत उत्साह यहाँ पे बच्चों के चेयर में, 5.5 साल के बच्चों से लेकर के 70 साल के लोग यहाँ पे इसमें कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए, और बच्चों में तो एक अलग ही उत्साह था।